बिजनौर के आवास विकास में स्थित विद्युत उपकेंद्र पर सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला संयोजक पवन शर्मा ने बताया, हड़ताल की जा रही है, क्या मामला है? ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार का आज पहला दिन है और जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 14 मार्च को पूरे प्रदेश में जो विद्युत संघर्ष समिति लखनऊ के आह्वान पर हमने मशाल जुलूस निकाला था, उसी आंदोलन के दूसरे क्रम में आज दिनांक 15 मार्च को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार आरंभ हो गया है। इस कार्य बहिष्कार के इस चरण में जो आज और कल यानी 15 मार्च और 16 मार्च को चलेगा, उसमें हमारे जो विद्युत उपकेंद्र पे पाली में लगे हुए हमारे SSOs हैं उनको छोड़ के प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य का बहिष्कार करेगा, कार्य को नहीं करेगा और आंदोलनरत होकर जिला मुख्यालयों पर मीटिंग करेंगे। उसी के तहत हमने आज यहाँ पर ये मीटिंग आज रखी है, शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और इसमें प्रत्येक सदस्य और हर संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी होगी। केवल पाली में कार्य कर रहे आवश्यक सेवा के कर्मचारी SSO वगैरह को ही इससे छूट। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।